Hey guys, hi, welcome back to my channel. Kaise ho aap sab? So today's video is, aaj main ek product ka review dene wali hu jiska naam hai Nivea Soft Light Moisturizer Cream. Iska main review dene wali hu and please aap is video ko like, share, and subscribe zarur kar dena. Chalo video ko start karte hain. Packaging bhi bahut achi hai, like can look. Kare to ye 25 ml ki hai and iski price hai 45. तो गाइस मेरे पास तो 25 ml की ही है ये इतना है एंड 45 rupees की है मेरे पास. इससे भी बिग आती होगी क्या पता, लेकिन मैंने इतनी सी ही बॉटल ली है. एंड सबसे अच्छी बात करूँ तो इसमें है विटामिन ई, जो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड विटामिन हमारे स्किन को स्मूथ बनाता है, शाइनी बनाता है. एंड और ये इस क्रीम में है एंड दिस इज ग्रेट. अगर हमें डार्क सर्कल हो गए हैं तो इसे भी वो रिमूव करता है. तो गाइस अब मैं इसे ओपन करती हूँ एंड मैंने इसे यूज़ भी कर लिया है, थोड़ी सी मैंने इसे यूज़ भी कर ली थी. तो ये बहुत लाइक सॉफ्ट है एंड ये क्रीमी टाइप है. यू कैन लुक की बात करें, ओ माय गॉड, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है. हमारे बॉडी पे लगा सकते हो, हैंड पे लगा सकते हो, फेस पे लगा सकते हो. एंड जिनको विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है या फट जाती हैं, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. बट जो है आपको एक वीक तक ये करना है. क्या करना है, मतलब अपने सोने रोज सोने से पहले अपने पैर को जो है निविया लगाना है एंड सॉक्स पहन के सो जाना है. इससे जो है आपकी एक वीक तक आप ये करोगे तो आपकी एरिया बहुत अच्छी हो जाती है, ऑफ हो जाती है विंटर में. एंड ये आप अगर इसे लगाओगे ना, ये अपने स्किन को नहीं फटेगी, अपनी स्किन एंड जो इचिंग होती है हम लोग को, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है. मैं आपको इसे लगा के भी दिखाती हूँ फेस पे कि ये कैसे कितना एब्जॉर्ब, कैसे जल्दी जल्दी होता है. तो मैंने तो वैसे यूज़ किया है बट मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ. वाओ, इट्स अमेजिंग गाइस. मैं तो आपको बता देती हूँ, मैं तो पहले से यूज़ करती हूँ इसे, बट मैं आपको बताती हूँ ये मेरे ख्याल से तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है एब्जॉर्ब होने. ये फट से एब्जॉर्ब हो जाता है अपनी स्किन में. करने से पहले इसे यूज़ करते हैं, एज ए टोनर ये यूज़ हो सकता है. एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, मैंने जैसे आपको बताया. और अगर हम लोग इसके ऊपर मेकअप होते हैं फाउंडेशन, तो जल्दी से एब्जॉर्ब, मतलब अच्छे से लगता है फाउंडेशन. अच्छी बात इस क्रीम की ये है कि ये लाइट मॉइस्चराइजर है, ये थिक नहीं है और ये ऑयली ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है. एंड ऑयली स्किन के लिए स्पेशली तो बहुत ही अच्छी है. एंड ये थिक नहीं है, ये लाइट है. वैसे तो ये जो क्रीम है ना बहुत अच्छी है. एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हो. एंड या अभी मैंने लिए इसे एंड मेरी हाफ यूज़ करके हो भी गई है. तो मैं जैसी मैंने ली थी वैसे मुझे इसका रिव्यू करना चाहिए था, बट मैंने आधा यूज़ करके ओके इट्स ओके. तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो गाइस? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना. मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए.